वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप प्रधान रोज की तरह लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर्स। आज है 8 जनवरी 2019 एंड 8 जनवरी 2019 को करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज यहां डिस्कस करेंगे। ओके, मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, एंड आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? व्हाट परसेंट ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? एंड अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज 10%। ओके, एक सूत्र ने कहा है आरक्षण उन आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब लोगों को दिया जाएगा जो अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर द वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो बढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का जो है, किस देश ने हाल ही में सीक्रेट तलाक की बुराई को समाप्त कर दिया है? व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड द एविल ऑफ सीक्रेट डाइवोर्स? एंड अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज सऊदी अरब। एंड सऊदी अरब जो अरेबियन जो वाइफ है, पत्नियां हैं, को अब उनकी जानकारी के बिना तलाक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रविवार को अदालत के फैसले के बाद अदालत को अपने विवाह के अंत के पाठ संदेश द्वारा महिलाओं को सूचित करने की आवश्यकता है। ओके, दे नीड टू इन्फॉर्म देयर वाइफ्स। ओके, सो बढ़ते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है, सोशल मीडिया पर वेब इंडेक्स रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है? हु हैज द फर्स्ट प्लेस इन द वेब इंडेक्स रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया? ओके, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज फेसबुक। फेसबुक का नाम आया तो इसके सीईओ एंड हेड जो है, ही इज नोन एज द को फाउंडिंग एंड लीडिंग फेसबुक एज इट्स चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनका नाम हो गया मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हिच इज, हाल ही में द पेंटागन प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? रिसेंटली द पेंटागन चीफ हैज रिजाइंड द नेम, रिजाइंड द नेम इज, उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज केविन स्विने। वह अब पेंटागन के तीसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी बलों को सीरिया छोड़ने की घोषणा के बाद अपने इस्तीफा की घोषणा की। ओके, इज द थर्ड वन। सो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हिच इज, किस देश के प्रधानमंत्री भारत को 3 दिवसीय यात्रा के लिए आए हैं? Which country's prime minister has come for 3-day visit to India? And our answer is option number A. Okay? इसके बारे में जानेंगे। So, इसके बारे में जानेंगे। नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर है जो आए हैं इंडिया, उनका नाम हो गया एर्ना सोलबर्ग, जो कि 3-day visit के लिए इंडिया आए हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एर्ना सोलबर्ग अराइव्ड इन दिल्ली, दिल्ली आए हैं 3 दिन के लिए। एंड सी विल होल्ड टॉक्स with her Indian counterpart Narendra Modi on a host of issues with an aim to expand the multifaceted bilateral partnership. Multifaceted bilateral partnership का मतलब हो गया कि बहुपक्षीय द्विपक्षीय साझेदारी। ओके, जो कि 3 दिन में होने वाला है, 3 दिन के लिए आए हैं। सो बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 which is, हाल ही में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने विलय पर मंजूरी दी? रिसेंटली हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक सैंक्शनड ऑन मर्जर? एंड अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज 3। एंड आज का आपका ये टास्क है जो 3 बैंक्स, ओके, 3 बैंक्स के नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, सो ये आज का टास्क है आपका, इसको कमेंट में बताइएगा कि कौन से 3 बैंक हैं। ठीक है, सो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज, हाल ही में AAI व्हिच इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
किस क्षेत्र में पदोन्नति के लिए समीर SAMEER के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Recently, the AAI signed an MOU, Memorandum of Understanding, with Samir for promotion in which area? And our answer is option number C, which is Communication, Navigation and Monitoring. इसके बारे में जानेंगे। AAI, which is Airport Authority of India, on Friday signed Memorandum of Understanding with Society for Applied and Samir का full form क्या हो गया? Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, okay? क्यों हुआ? To joint research program in the field of communication, navigation and surveillance, which is CNS, okay? And इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। And AAI and Samir, an autonomous research and development R&D institute under METI, have entered into an overreaching memorandum of understanding that will provide a platform for collaborative research for both the organization to work together. दोनों को साथ काम करने में मदद मिलेगी, okay? So आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, which is हाल ही में किस राज्य के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति को सूचित किया, okay? So इसके बारे में जानेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, which is असम, okay? और इसके बारे में जानेंगे। द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनका नाम क्या हो गया, जो कि आसाम के हैं, कैडरी एमपी बेजरुआ, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम। असम का नाम आया तो असम का बारे में कैपिटल हो गया उसका दिसपुर, प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल जी एंड गवर्नर हो गए जगदीश मुखी, ठीक है। So, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, which is हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कुंभ मेले के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। रिसेंटली which मोबाइल ऐप launched by नॉर्थ सेंट्रल रेलवे फॉर कुंभ मेला, एंड अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, which is रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, ओके? एंड दिस ऐप विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द मेला स्पेशल ट्रेन्स दैट विल बी रन ड्यूरिंग द पीरियड, ओके? उसके बारे में जानकारी मिलेगी इसको। सो बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 10। सरकार ने कितने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए। गवर्नमेंट एलोकेट्स रुपीज 10,900 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके? So our answer is option number C, which is 40. So 40 satellites. So आज का बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 11, which is हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। Where has the inauguration of the international kite महोत्सव recently? And our answer is option number C, which is गुजरात, ठीक है। गुजरात का नाम आया तो उसका कैपिटल हो गया गांधीनगर, सीएम हो गए विजय रूपानी जी एंड गवर्नर हो गए ओपी कोहली, ठीक है। सो आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कयासुर फॉरेस्ट डिजीज किस राज्य में फैली है। कयासुर फॉरेस्ट डिजीज इज ए पार्ट ऑफ व्हिच स्टेट। सो वी हैव टू आंसर व्हिच स्टेट इट इज, इट इज इन कर्नाटका, ठीक है। So, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यू ईयर 1 तारीख से 7 तारीख के बीच जो हुए हैं उसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ न्यू ईयर टिल नाउ। सो पहला है अपॉइंटमेंट्स, मतलब न्यू ईयर में अभी तक के कितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके अपॉइंटमेंट इसमें अपॉइंटमेंट किनका हुआ, उनका नाम हो गया सुधीर भार्गव जी, ठीक है। सो सेकंड इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस के रूप में किनको लाया गया, जो है बी राधाकृष्णन, ठीक है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड किनको लाया गया, विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको लाया गया तो उनका नाम क्या हो गया, प्रमोद कुमार सिंह,
ठीक है, एंड नालसा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, उनके पद पर किनको नियुक्ति किया गया, जस्टिस ए के सिकरी, एंड लास्ट वन इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी, उनका नाम हो गया हेमंत भार्गव जी। ठीक है, सो नेक्स्ट और क्या क्या हुआ 1 से 7 तारीख के बीच उसके बारे में जानेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, सो नेशनल नृत्य सेरेमनी अवार्ड किनको दिया गया, अनिंदिता नियोगी अनाम को। एंड ये जो सेकंड पॉइंट है ये स्पोर्ट्स का 2019 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किसके जाता है, स्मृति मंधना को। ठीक है, एंड लास्ट वन रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड, ये किनको जाता है, एस विजय कुमार को। ठीक है, सो और क्या चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम में, नया आया है धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड, ये एक स्कीम लॉन्च किए हैं उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिंस, कहां पे किए हैं, ओडिशा में। ठीक है, सो और क्या हुआ है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम फॉर द पीरियड 2017 से 18 था, जो कि 2019 से 20 हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मैं रोज सुबह अब आपके लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लाऊंगा, सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।